गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज अभिजीत एंड यू वाचिंग एनएस सोलर एनर्जी। बेसिकली दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज ऑल अबाउट सोलर एनर्जी सिस्टम। एक्चुअली ये वाला जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर टाइप का होगा, इज बिकॉज ऑफ मैं लास्ट टाइम जो एपिसोड बनाया था रिगार्डिंग मार्टिन सुपर 2.5 kV इन्वर्टर सेटिंग्स, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने उसको व्यू किया एंड बहुत सारे व्यूअर्स ने इसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा एंड इसके बाद भी बहुत सारे व्यूअर्स हमको डायरेक्ट कॉल करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन देम्स एंड क्या करना चाहिए, क्या सेटिंग्स है, क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर में अभी तक भी कन्फ्यूजन में है, तो सब लोगों को क्लियर करने के लिए ये वाला एपिसोड बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर वन, मेन जो कन्फ्यूजन है सर, कितना पैनल हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। वन ऑफ माई व्यूअर्स डायरेक्ट कमेंट नहीं किया, एक कमेंट का अंदर में रिप्लाई करके आंसर, मतलब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। सर आप लोग जब कमेंट कर रहे हैं, मैं वो व्यूअर्स को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सर आप लोग जब कमेंट कर रहे हैं सर कृपया उसको बारे में जान के कमेंट कीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कितना वाटेज का पैनल हम लोग स्मार्टेन 2.5 के भी इन्वर्टर में यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग अगर जब नया यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग का दिमाग क्यों खटाएंगे, पहले हम लोग उसका मैनुअल फॉलो करेंगे बाद में हम लोग दिमाग खटाएंगे। क्यों ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, एज बिकॉज ऑफ जो स्मार्ट एंड जो इन्वर्टर है उसमें पूरा मैनुअल में लिखा हुआ है मैक्सिमम पैनल वाटेज सपोर्ट इस 1500 वाट, मतलब आप 1500 वाट तक पैनल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैं क्यों उससे ज़्यादा यूज़ करूँ सर, मेरा तो एक सेम कन्फ्यूजन है। हमको भी पता है सर ये 50 amps का उसका MMPT चार्ज कंट्रोलर है, वो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 1800 वाट तक आप पैनल उसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों लगाएंगे। एक बात दिमाग में ध्यान लीजिए, जो कंपनी के मैनुअल में है हम हमेशा उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज बाद में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आया मशीन के अंदर तो आप लोग जब क्लेम करने जाएंगे कंपनी पहले आपको पूछेगा सर आप कितना वाटेज का पैनल उसमें इंस्टॉल किए थे, तब आप क्या बोलेंगे। अगर कंपनी वेरीफाई करने के बाद आपका घर में आकर वेरीफाई करने के बाद देखेंगे आपका मशीन के साथ 1800 वाट का पैनल लगा हुआ है एंड उसका जो रिकमेंडेड जो वाटेज है उससे भी ज़्यादा आप लोग उसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो कंपनी डायरेक्टली कोई मतलब बिना ऑब्जर्व करके वो बोलेगा सर आप लोग तो रूल को फॉलो नहीं किया इसलिए आपका मशीन ख़राब हुआ है, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे तब उस टाइम। तो मेरे हिसाब से हमेशा मैनुअल को फॉलो कीजिए सर। मेरा दिमाग क्या चलता है, मेरे क्या करता है, ये लगा के देखूंगा चल जाएगा चल रहा है मेरे पास, ऐसा कोई बात नहीं। आप उसमें 1800 वाट के 2500 तक आपको पैनल यूज़ कीजिए, लेकिन कंपनी ने अगर जो रिकमेंड किया है मैं वही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, उसमें ज़्यादा आप लोग मत कीजिए। कभी भी क्या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है तब आपके पास कुछ वारंटी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट के अंदर 2 साल का वारंटी है, उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आया तो कंपनी का ऑफिशियल आपको पास में जाके आपका हेल्प करेगा। अगर आप लोग देखेगा, वो लोग आके देखेगा आप लोग उसका रूल्स मैंने ओवर रूल्स किया है, तो आपका कंप्लेन तो मतलब फालतू हो जाएगा, मशीन ख़राब हो जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सर जो वो लोग रिकमेंड किया है उसको आप लोग यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है DOD सेटिंग्स। एक्चुअली DOD सेटिंग के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, हम लोग को पहले क्लियर करना पड़ेगा DOD सेटिंग क्या करता है। DOD सेटिंग बेसिक जो थिंग्स होता है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुका हूँ, आप लोग आई बटन में जाकर उसको भी देख सकते हैं, पूरा सिर्फ DOD के ऊपर में एक वीडियो है। फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर में कन्फ्यूजन है सर। DOD सेटिंग्स का मतलब एक चीज़ आप ध्यान लीजिए, DOD सेटिंग सिर्फ वो कंट्रोल करता है आपका इन्वर्टर के साथ आपका मेन लाइन कब कनेक्ट होगा, ये टोटली डिपेंड करता है DOD सेटिंग्स। DOD सेटिंग्स कब काम करता है काम नहीं करता है वो बात अलग है। बहुत सारे व्यूअर्स से बोला ये सर सोलर पावर जब अवेलेबल नहीं रहता तब DOD सेटिंग काम नहीं करता, ये बात आप लोग सर पूरा सही बताया, एज बिकॉज ऑफ मैनुअल में लिखा हुआ है रात में जब सोलर पावर नहीं रहेगा तो DOD सेटिंग आपका काम नहीं करेगा। तो DOD सेटिंग का काम करने का बात तो अलग है, लेकिन दिन में आप लोग अगर जब सोलर पावर से अगर आप जो मेन लाइन कनेक्ट करेंगे तब क्या होता है, तब कब आपका मेन लाइन उसके साथ कनेक्ट होगा टोटली डिपेंड करता है आपका DOD सेटिंग। एक व्यूअर्स वन ऑफ माय व्यूअर्स एक कमेंट किया है, आप लोग शायद थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज वो कमेंट किया है सर स्मार्ट एंड 2.5 के भी इन्वर्टर लगने के बाद उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर गया है, ज़्यादा बिल आ रहा है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। एज बिकॉज ऑफ आप अगर सोलर पावर आपके घर में मतलब सोलर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर में आप मेन लाइन भी कनेक्ट किया है सोलर पावर भी कनेक्ट किया है,
एंड ड्यूटी सेटिंग आपका अगर 50% होगा, वो स्टार्टिंग से आपका चार्ज होना शुरू किया, मतलब सोलर पावर से पहले वो, मतलब सोलर पावर अगर कम रहेगा फिर भी आपका जो चार्ज है वो मेन लाइन से लेते जाएगा मैक्सिमम चार्ज शुरू से। देखिए आप अगर सोलर पावर जब लगाएंगे आपके पास, एक एक चीज़ ध्यान लीजिए, सुबह जब सुबह होता है, क्योंकि आपके साथ पूरा मेन लाइन एंड सोलर पावर ऑल टाइम कनेक्टेड है, जब भी सोलर पावर कम होगा तब मेन लाइन से वो एम्पियर लेके आपका बैटरी चार्ज होना शुरू कर देगा। एंड सुबह जब सोलर पावर नहीं रखता तभी, मतलब जितना बैटरी का वोल्टेज कम है तब से आपका सोलर पावर, मतलब सोलर पावर को साइड में रखे मेन लाइन से आपका पूरा चार्ज होते जा रहा है, मेन लाइन से चार्ज होते जा रहा है, चार्ज होते जा रहा है। आप जब बाद में काम कर रहे हैं आपका मेन लाइन से बैटरी डिस्चार्ज होते जा रहा है, एंड सोलर पावर से ज़्यादा पावर से आपका बैटरी चार्ज हो जा रहा है, तो कंटिन्यू आपका मेन लाइन से आपका इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। एंड उसके साथ आपका लोड रात में चल रहा है, रात में जब बैटरी ख़त्म हो रहा है फिर भी फिर से आपका बैटरी से बैटरी चार्ज मेन लाइन से हो रहा है। तो क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका मेन लाइन यूज़ हो रहा है, सोलर पावर बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आराम से आएगा। मेरे पास मेरे जो सेटिंग किया हूँ उसका भी एक डिटेल्स दिया हूँ, ऐसे में सेटिंग्स किया हूँ, मतलब मेरा सोलर जो सिस्टम है मैं ऐसे किया हूँ, उसका भी आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके उसमें देखिए कैसे मैं मेरा 1 kW सिस्टम इंस्टॉल किया हूँ। मैं पहले इस वीडियो से बोल रहा हूँ सर, मैं से मेरा सुबह से रात तक जितना तक मेरा सोलर पावर से बैकअप जाता है मैं सोलर पावर से चलाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह छः बजे से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देता हूँ। सुबह 6 बजे से मेरा सिस्टम सोलर से चलता है, 7 बजे से मेरा फ्रिज चलता है, एंड उसके बाद इंडक्शन ग्राइंडिंग फाइंडिंग सब कुछ चलता है। एंड सोलर पावर से चार्ज होने के बाद बैटरी में जितना स्टोर होता है उस स्टोर को मैं दिन के दिन खा लेता हूँ, मतलब 10-11 कोई के दिन अगर अच्छा धूप हुआ तो 2 बजे तक हमको बैकअप मिला। जब बैकअप ख़त्म हो जाएगा तब मेरा मेन लाइन उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, एज मैं यूज़ किया हूँ एक ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच। तो ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच से क्या होता है, आपका जब बैकअप ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक मेन लाइन से आपका चार्ज, मेन लाइन से आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ मेरा जो सोलर वाला सिस्टम पूरा डिसकनेक्टेड हो जाता है। तब क्या होता है, आपका मेन लाइन से डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच थ्रू आपका लोड चलता है, इसीलिए मेरा सोलर पावर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा देता हूँ। कब, जब पूरा दिन आंधी हो रहा है, तूफान हो रहा है, सूरज उड़ने का नाम नहीं कर रहा है, मतलब धूप बहुत कम है, तब हमको थोड़ा बहुत चार्ज करता हूँ, इसीलिए क्योंकि शाम में अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी चल गया तो कैसे चलेगा, इसलिए बैटरी को थोड़ा बहुत मैं चार्ज कर लेता हूँ, एज बिकॉज ऑफ उस चार्ज से मेरा शाम को रात को मेरा बैकअप मिल जाएगा, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर डेज जब सूरज नहीं उठता है, इसी सेटिंग से मैं मेरा काम चलाता हूँ। और DOD सेटिंग्स में जब यूज़ करता हूँ वो सबसे कम रखता हूँ, 20% नहीं तो 30% मैक्सिमम रखता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत चार्ज से वो चार्ज हो जाएगा। आपका अगर DOD सेटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा ना, आप उस इन्वर्टर को आराम से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं कब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करें और कब ना करें। एक चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए, DOD सेटिंग से ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका इन्वर्टर के साथ मेन लाइन कब कनेक्ट हो जाएगा। YouTube में बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर DOD सेटिंग कुछ काम नहीं करता, लेकिन सर DOD सेटिंग बहुत काम करता है। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं उसका अलग से मशीन में एक सेटिंग, मतलब एक वीडियो आप लोग को अलग से बना दूंगा, कैसे अलग अलग DOD से अलग अलग आपका, मतलब बैटरी का सिस्टम चार्ज हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आप लोग भी खुद आपका मशीन में कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा जो DOD सेटिंग वाला वीडियो है उसमें जाके मैं कैसे कैसे DOD में कैसे कैसे चार्ज होता है मैं उसको सब क्लियर किया हूँ, आप लोग जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कौन सा बैटरी मैं सिलेक्ट करूँ। मेरा बहुत सारे व्यूअर्स से क्वेश्चन पूछा है सर आप तो लेड एसिड वाला दिखा रहे हैं, आप मशीन में सेटिंग किया है लेकिन बाद में देखा आपका सोलर ट्यूबलेट बैटरी है, क्योंकि मैं उसमें रिप्लाई किया था सर मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ किस में ज़्यादा बैकअप मिल रहा है। ओवरऑल आप लोग के पास बोलता हूँ सर सोलर ट्यूबलेट बैटरी में यूज़ करता हूँ, वो ट्यूबलेट बैटरी है एंड ट्यूबलेट में सेटिंग किया हूँ, वो हमको ज़्यादा बैकअप दे रहा है। लीड एसिड जो सेटिंग किया था उससे ये थोड़ा ज़्यादा बैकअप दे रहा है, इसलिए मैं सोलर ट्यूबलेट, मतलब ट्यूबलेट वाला ऑप्शन में सिलेक्ट किया हूँ, इससे आपका फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि पहले मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था बिकॉज ऑफ बहुत सारे व्यूअर्स ने, मतलब बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बना दिया था सर लीड एसिड वाला सिलेक्ट से आपका काम चल जाएगा, लीड एसिड ही सब लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको देखे मैं भी किया था बिकॉज ऑफ मेरा पास जो सोलर ट्यूबलेट बैटरी है
वो तो सोलर ट्यूबलेस बैटरी है, ट्यूबलेस बैटरी है, लेकिन उसका अंदर में तो लीड एसिड ही है ना, इसलिए मैं सोचा था सर लीड एसिड से शायद उसको काम चल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा दिन बाद, उसके बाद जब सोलर ट्यूबलेस सेटिंग किया, वो देखा मैं ज़्यादा बैकअप आ रहा हूँ और चार्ज भी अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं उसके बाद से पूरा ट्यूबलेस वाला सेटिंग में कर चुका हूँ। एंड इसको छोड़ के उसमें ज़्यादातर कोई अलग से सेटिंग्स नहीं है, वो UPS वाइड UPS तो आप लोग पता है, मैं हमेशा UPS मोड करता हूँ, क्योंकि UPS मोड करने से आपका घर में जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो सब समय सही रहता है। मैं उससे कंप्यूटर भी चलाता हूँ, वो मेरा अच्छे से चल जाता है, इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ। एंड आप लोग के पास बहुत सारे व्यूअर्स एक डिमांड है सर, ओवरऑल एक लोड देके वीडियो बनाइए, उसका वीडियो भी जल्द आ जाएगा, एज बिकॉज ऑफ मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है उसके साथ वीडियो बनाने के लिए। होप मैं जल्द उसका वीडियो आप लोग के पास ले आऊँगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिए। एंड बहुत सारे व्यूअर्स हमको मतलब बाई फोन करते हैं, आप लोग फ़ोन कीजिए, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ एज बिकॉज ऑफ मेरे पास हमेशा फ़ोन नहीं रहता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड जो लोग का कॉल मैं नहीं रिसीव कर पा रहा उसके लिए सॉरी सर, मैं उसके बाद कॉल बैक भी कर लेता हूँ आप लोगों को। एंड आप लोगों के लिए हेल्प करना ही मेरा काम है, इसीलिए मेरे चैनल को लाया हूँ। इसके साइड में भी बहुत सारे व्यूअर्स के मतलब बहुत सारे इंस्टॉलेशन करता हूँ रिगार्डिंग सोलर पैनल, आप लोग चाहे तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर इधर जा रहा है। एंड होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा, आपको आज थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला रिगार्डिंग दिस सिस्टम्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऑलवेज मैंने एवर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, एज बिकॉज ऑफ आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। एंड लास्ट में तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, सेव नेचर, सेव अर्थ। Thanks to all. Thanks for watching.